रिंग रोड की कंप्लीट अलाइनमेंट के अंदर एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कम बजट के अंदर आपकी आज के दिन की इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले वक्त में एक बेहतरीन बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इस तमाम डिटेल्स को जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हिरा उसामा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर मुख्तलिफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स एंड अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसी फ्रेमवर्क के अंदर आज जिस टॉपिक के ऊपर मेरी आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर होंगी या मैं आपके साथ कुछ अपडेट्स शेयर करूँगी, वो है बहरिया टाउन रावलपिंडी का फेज़ 8 एक्सटेंशन। सबसे पहले अगर हम बात करें बहरिया टाउन के बारे में, तो बहरिया टाउन इज़ ए ब्रांड और बहरिया टाउन को किसी भी किस्म की इंट्रोडक्शन की कोई मोहताजी नहीं है। बहरिया टाउन के अब तक के अगर हम सक्सेस रेशो को चेक करें तो, या इसको हम फिगर आउट करें तो, बहरिया टाउन जो है वो कंसिडर किया जाता है एक डेवलप्ड सिटी विद इन द प्रमिस ऑफ अनदर सिटी। जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन सिटीज़ में भी बहरिया टाउन मौजूद है, उसने अपनी तरक्की की राहों को इस तरीके से मजबूत किया है कि वो एक शहर के अंदर एक नया आबाद शहर कंसिडर किया जाता है। इसी फ्रेमवर्क के अंदर मैंने आज चूज़ किया है बहरिया टाउन रावलपिंडी के फेज़ 8 एक्सटेंशन को, जिसके अंदर अब तक 6 प्रीसेंट मौजूद थे, जिसके बाद अब रिसेंटली प्रीसेंट 7 को भी मुतारफ़ करवाया गया है। मैं आपको प्रीसेंट, जितने भी प्रीसेंट्स हैं बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर, उसमें मौजूद जो हमारे पास कैटेगरीज़ हैं 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला एंड सो फार 1 किनाल, उसकी मेन लोकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस प्रीसेंट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। प्लस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनकी एक प्रॉपर प्राइस कैटेगरी। इन 7 प्रीसेंट्स के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 किनाल की जो कटिंग्स है और इनकी जो प्राइसेस है, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि प्रीसेंट 5 मरला की जो IET प्रॉपर हमारे पास फाइल आती है फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर, कॉस्ट करती है तकरीबन 31 से 32, 33, 33.5 तक भी वो कैटेगरीज जाती हैं एज़ पर डिमांड। अब क्योंकि 3 तरह की कैटेगरीज प्रोवाइड की जाती हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन की फाइल्स के अंदर, जिसमें टॉप ऑफ जो है वो IET प्रॉपर फाइल होती है, इसके अलावा IDN फाइल होती है और गिफ्टेड फाइल्स होती हैं। जो IET प्रॉपर फाइल्स हैं उनकी प्राइसेस जो रेस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज हैं लाइक IDN एंड गिफ्टेड फाइल्स, उससे थोड़ी सी हाई होती है। इसी सिनेरियो के अंदर जो हमारा 5 मरला IET प्रॉपर फाइल है वो 31 से 33, 33.5 के अंदर जो है वो लाए करती है। ये डिमांड है मार्केट में और ऑन टाइम के ऊपर इसके अंदर कुछ थोड़ा सा निगोशिएट किया जा सकता है। बात करें हम IDN फाइल की, तो IDN फाइल इस वक्त मार्केट में जो डिमांड हो रही है वो 29.5 लाख से लेके तकरीबन 30, 30.5, 31 तक कॉस्ट करती है। और जो गिफ्टेड फाइल है, गिफ्टेड की भी जो सिनेरियोज़ हैं वो IDN से बड़े मैच्ड हैं, उसमें मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख तक का डिफरेंस आता है, अदरवाइज इनकी प्राइसेस मार्केट के लिहाज से सेम कंसिडर की जाती हैं। अब अगर 8 मरला की बात की जाए तो 8 मरला जो IET प्रॉपर फाइल्स हैं वो तकरीबन 35 से 38 लाख रुपीस के बीच में ट्रेड होती हैं, लेकिन जो उनकी आके डील स्ट्राइक करती है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये मिनिमाइज भी हो जाती है। इसी में अगर IDN फाइल्स को लिया जाए तो वो 2 से 3 लाख कम है, वो 33, 34 के अंदर कॉस्ट करती हैं, एंड गिफ्टेड फाइल्स की भी सेम सिचुएशन है। अब अगर मैं बात करूं 10 मरला के ऊपर, तो 10 मरला IET जो फाइल है वो 44 से स्टार्ट लेती है, 43 में भी मिल जाती है, 43 से 45, 46 के बीच में लाइक कर रही है हमारी 10 मरला की फ़ाइल, और उसमें भी जो IDN और गिफ्टेड फाइल्स हैं उनकी प्राइसेस कंपैरेटिवली लो हैं। एक इसके बाद इन्होंने जो किनाल की कटिंग दी है वो सिर्फ प्रीसेंट 6 के अंदर दी है और वो बहुत ही लिमिटेड कटिंग है, और किनाल की जो प्रॉपर फाइल्स हमारे पास इस वक्त मार्केट में कोट हो रही हैं वो तकरीबन 65 से 80 के इन बिटवीन हो रही हैं। बहुत सारी जगहों पर इनकी डिमांड्स मुख्तलिफ हैं। ये एक ओवरव्यू था हमारे नॉन डेवलप्ड जो प्लॉट्स हैं या जिनकी अभी तक सिर्फ फाइल्स इशू हुई हुई हैं या जिनके लेटर्स इशू हुए हैं उनके बारे में। अब अगर हम ये क्वेरी करें कि जी हमारे पास, अगर क्लाइंट्स हमसे ये पूछना चाहें कि जी प्रॉपर जो हमारे पास पेड प्लॉट्स हैं फेज़ 8 के अंदर या फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर जो कुछ सेमी डेवलप्ड हैं या आप कह लें कि वो क्वार्टरली डेवलप्ड हैं, तो उसमें 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की जो प्राइसेज हैं वो मैं आपको बताऊँ। 5 मरला आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 45 से ऑनवर्ड्स कॉस्ट करता है आपको, 45 से 55 के बीच में जनरल प्लॉट। 8 मरला की बात की जाए तो जो जनरल प्लॉट है वो हमारे पास तकरीबन कॉस्ट करता है 50 प्लस में, और अगर हम 10 मरला के फुली आप कह लेंगे जी पेड प्लॉट की बात करते हैं तो वो 65 से 70, 75, 80 के बीच में जो है वो लाई करता है।
अब बात ये की जाए कि जी डेवलप्ड और नॉन डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट का या नॉन डेवलपमेंट का क्या रेशो है, तो कुछ ऐसे प्रीसेंट्स के अंदर लाइक 1 के अंदर, 3 के अंदर, 6 के अंदर कुछ पोर्शंस हमारे पास डेवलप्ड है और कुछ के ऊपर काम चल रहा है। तो बहरिया फेज एट एक्सटेंशन के अंदर इस वक्त अगर मैं ये बताऊं कि हमारे पास जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत स्मूथ ऑप्शन है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब हम देखते हैं कि रिंग रोड की कंप्लीट अलाइनमेंट के अंदर जो सोसाइटी हमें इस्लामाबाद या रावलपिंडी से बिल्कुल नियरेस्ट पड़ती है, तो वो बहरिया टाउन ही पड़ता है। इसके अलावा अगर हम सेन अलाइनमेंट के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखें, तो वो रावलपिंडी शहर से बहुत ज़्यादा फासले पर जो है वो मौजूद है, और उसको रावलपिंडी शहर से करीब आने में काफ़ी वक्त दरकार है। मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने क्लाइंट को ये रिकमेंड करूं कि उन्हें बहरिया फेज एट एक्सटेंशन के अंदर इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो एक डेफिनेट बेसिस के ऊपर इनको आने वाले वक्त में राइज ज़रूर प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अपडेट ये है कि कुछ अर्सा पहले तक फेज एट एक्सटेंशन के अंदर इन प्रीसेंट्स के अंदर जो डेवलपमेंट है वो ड्यू टू सम रीजंस रोक दी गई थी, लेकिन अब ऑन ग्राउंड ऑन साइट मशीनरी मौजूद है, जो मैं आने वाले वक्त में आपके साथ साइट की फुटेजेस ज़रूर शेयर करूँगी। इस वक्त के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हमारी बनती है, अगर हम करते हैं IET फाइल्स के अंदर, IEDN या गिफ्टेड फाइल्स के अंदर, या हम इन्हीं प्लॉट्स की कैटेगरीज के अंदर हम जो हैं वो पेड प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले वक्त में दोनों तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक बेहतरीन बेनिफिट लेकर सामने आएंगे। ये एक ओवरव्यू था बहरिया टाउन फेज एट एक्सटेंशन के प्रीसेंट्स का। इसमें अगर मैं एट द एंड एक चीज़ और ऐड करूँ कि जो प्रीसेंट 7 अभी हमारे पास लॉन्च हुआ है, प्रीसेंट 7 के अंदर इस वक्त इनिशियली सिर्फ 5 मरला की कटिंग अवेलेबल है, जिसकी आपको प्रॉपर फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी हमारे पास से। साथ में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी हमारे व्यूवर्स के लिए कि इसमें प्रीसेंट 1, 3, 4, 5 और 6 के अंदर जो डेवलपमेंट का रेशो है वो 30-50% के ऊपर तक जा चुका हुआ है, और इसके अंदर जो हमारा प्रीसेंट 5 आ रहा है उसके ऊपर जो लेवल होता है, लैंड को लेवल करने का जो एक प्रोसेस है, वो सक्सेसफुली जो है ना, या ग्रेजुअली और सक्सेसफुली आज जो है आपका ये कि वो रन हो रहा है। इसके अलावा जो हमारा प्रीसेंट 7 है, जो अभी लॉन्च हुआ था, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, प्रीसेंट 7 इस वक्त कम्प्लीटली नॉन डेवलप्ड है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ बहरिया टाउन अपने इन तमाम प्रीसेंट्स को डेवलप कर लेगा, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 तक, और मे बी राइट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ 2024, बहरिया टाउन फेज एट एक्सटेंशन के अंदर जो है वो पोजीशन प्रोवाइड कर देगा। ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू हमारे फेज एट एक्सटेंशन का, उसके अंदर मौजूद 5, 8, 10 मरला और एक कनाल की जो फाइल्स हैं उनके बारे में, प्लस मैंने आपको इनकी प्राइसेस के बारे में भी बताया। तो इन तमाम डिटेल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्यूरी हो, आप इन तमाम प्रीसेंट्स के अंदर या बहरिया टाउन के किसी भी फेज़ के अंदर, किसी लोकेशन के ऊपर आप बुकिंग करवाना चाहते हो, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, मेरा नंबर स्क्रीन पर गिवन है, आप किसी भी वक्त हमें कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज को फुलफिल कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, दिस इज़ हिरा उसामा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।